हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंट्री 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 18 के बारे में, जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। तो फ्रेंड, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास महाराजा, राज बहादुर, राज साहेब, दीवान बहादुर जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे। ये टाइटल्स इनको कहाँ से मिले थे? ब्रिटिश क्राउन से। अब इन टाइटल्स की खास बात ये थी कि ये अपने आप में हेरिडेटरी टाइटल्स थे, मतलब कि राय बहादुर का बेटा राय बहादुर बनेगा और महाराजा का बेटा महाराजा। बट आम जनता के पास इस तरह का कोई भी टाइटल नहीं हुआ करता था, तो इस तरह हमारे समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। किसकी वजह से? टाइटल्स की वजह से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने माना कि अगर इन टाइटल्स को कंटिन्यू किया गया तो आम जनता के राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन होगा। इसलिए आर्टिकल 18 में जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स थे या नोबिलिटी थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया। तो अब आज़ाद भारत में कोई भी महाराजा नहीं है और कोई भी राय बहादुर नहीं है, और ना ही किसी और तरीके का कोई टाइटल। जा सकता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ने सबको इक्वालिटी दे दी। चलो, यहाँ तक तो ठीक है, पर आने वाले समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे सिटीजन्स को कोई फॉरेन कंट्री टाइटल्स देना शुरू कर दे, और अगर ऐसा हुआ ना तो इनइक्वालिटी फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 18 में ये भी कहा गया, अगर कोई फॉरेन स्टेट इंडियन सिटीजन को टाइटल देते भी है तो भी इंडियन सिटीजन ऐसा कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, टाइटल के साथ साथ इसमें एक और चीज भी ऐड कर दी गई कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से ना तो कोई टाइटल ले सकते हैं, ना तो कोई प्रेजेंट ले सकते हैं, ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई प्राइज मनी और ना ही कोई ऑफिस, जब तक कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आपको उस चीज का कंसेंट ना दे दे, मंजूरी ना दे दे। और ये प्रोविजन बेसिकली सिटीजन के साथ साथ उन फॉरेनर्स के लिए भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बट समझे कहाँ से? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना ही किसी पार्लियामेंट की किसी एक्ट में। हमें पता है कि अगर कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई ना हो और जिनका मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशन में हो मेंशन और ना ही किसी पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिपेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स के ऊपर, उनके इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जो उन्होंने अपने किसी भी लैंडमार्क जजमेंट्स में मेंशन की होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट में ये इंटरप्रिटेशन दी है कि आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और आप उसमें अपॉइंटेड हो या फिर उस पोजीशन पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, जैसे कि आपको सरकार से सैलरी मिलना या फिर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरकार में एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो। सो फ्रेंड्स, ये था इसके प्रोविजंस। बट आर्टिकल 18 की कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि फ्रेंड जो आर्टिकल 18 है उसमें एक पॉइंट है जिसमें प्रोविजन में कहा गया कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन एनीबडी, यानी कि स्टेट किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है। पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस ये है कि अगर आपने सुना होगा मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के बारे में, यानी कि मिलिट्री में हमें कुछ टाइटल्स मिलते हैं जैसे मेजर, जनरल, ऐसे टाइटल्स हमें मिलते हैं, और एकेडमिक्स में हमें मिलते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर है उसके आगे डॉक्टर लगता है, कोई इंजीनियर उसके आगे इंजीनियर लगता है, कोई आर्किटेक्ट उसके आगे आर्किटेक्ट लग सकता है, लाइक ऐसी टाइप के टाइटल्स। तो ये वाले टाइटल्स किसी भी तरीके से अनवैलिड नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे आते हैं नेशनल अवार्ड, जैसे भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बालाजी रंजन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक जजमेंट में ये कहा कि आर्टिकल 18 हेरिडिटरी टाइटल्स और नोबिलिटी को बैन करता है, और नेशनल अवार्ड तो मेरिट बेसिस पे दिए जाते हैं, तो इसीलिए नेशनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अवार्डी है वो अपने नाम के साथ या अपने नाम के साथ साथ पद्म विभूषण जैसे एक्सेट्रा जो भी टाइटल उनको मिले हैं जैसे प्रीफिक्स या सुफिक्स यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, पर फ्रेंड्स इसको रोकने
रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि आर्टिकल 18 एक सिर्फ डायरेक्टरी आर्टिकल है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन देता है और बोलता है कि भैया ऐसा मत करो, है ना, मतलब ये मत करो कि अपने नाम के आगे इसका टाइटल लगाओ, लेकिन इसको अगर आप करते हो इसका वॉयलेशन के बदले में कोई पेनल्टी भी नहीं है फ्रेंड्स। पर हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो किसी एक्ट के तहत इस पर पेनल्टी लगा सकता है, बट अभी तक ऐसी कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे ये सब आपको वैलिड है, यहाँ पे सब आपको ये मिलेगा जो मैंने बताया। बट येस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मच ब्रीफली सो दैट यू नो गेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल। और ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको काफी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो मेरी समझ आई होगी। तो इफ येस, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ दिस चैनल। टिल देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।